Hello students, today we are going to revise the portion of numericals that is based on kinetic energy and potential energy. देखो बेटा, इससे पहले जो revision की videos थी उसमें मैंने आपको दोनों energy की types के derivations, उनके factors, formulas ये सारे मैंने आपको बताए थे. आज जो हम topic कर रहे हैं वो है numericals, जो आपको solve भी करने हैं. मैं यहाँ पर आपको कुछ numericals बता रहा हूँ जो kinetic energy और potential energy पर based होंगे. तो देखो, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं. द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर मींस 1/2 मास इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर. फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू में हाइट मींस mgh. यही दो फॉर्मूले हैं जिसके हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो चलिए, अगर मैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखूंगा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो बेटर है मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2.5 किलोग्राम. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, हमें फाइंड आउट क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है. ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है हमें उस बॉडी का? 2.5 किलोग्राम. क्लियर? मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड. जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा? 0.2 मीटर पर सेकंड से. तो यहां पर मास ऑफ बॉडी वो है 2.5 किलोग्राम, कि जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास दे रखा है हमें 2.5 किलोग्राम. एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी 0.2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड आउट क्या करनी है? इसकी काइनेटिक एनर्जी. दोनों चीजें हमारे को गिवन है यहां पर, तो हमें क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो मैंने यहां पर मेंशन भी किया है. आप वैल्यूज पुट कीजिए. 1/2 मास कितना दे रखा आपको? 2.5. वेलोसिटी कितनी है? 0.2 का स्क्वायर. अब जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो जिसमें पॉइंट्स में टर्म्स दे रखी, तो पहला काम होना चाहिए हमारा पॉइंट को हटाना. 1/2 एज इट इज, 2.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आगे नीचे? 10. 0.2 है तो इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूं, स्क्वायर है. 0.2 का पॉइंट हटा 10, इसका 2 का 10 हटेगा तो कितना आगे पॉइंट हटेगा? तो 10. ये वैल्यूज आ गई हमारे पास. 2 से 2 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 5s are 25. कितना आ गया बेटा? 5/100, जिसको क्या लिख सकते हो आप? 0.05. एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस बॉडी. की बॉडी कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी, ये हमारा आंसर होगा. क्लियर हुआ? क्वेश्चन में हमें मास दे रखा था, वेलोसिटी दे रखी थी, हमने एसटी पुट की वैल्यू और हमने क्या फाइंड आउट किया? इसकी काइनेटिक एनर्जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसके अंदर क्वेश्चन है, हाउ फास्ट अ मैन वेटिंग 60 किलोग्राम शुड रन. कि एक 60 किलोग्राम वेट का एक आदमी है, उसको कितनी स्पीड से भागना चाहिए? कितनी स्पीड मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. How fast a man weighing 60 kilogram should run so that his kinetic energy is 750 joule. ताकि उसकी kinetic energy कितनी हो जाए बेटा? 750 joule. तो पहले हमें यहां पर क्या क्या दे रखा है? एक तो मास दे रखा है, मास ऑफ सॉरी वेग दे रखा है हमारे को, वेट ऑफ मैन कितना दे रखा है हमारे को यहां पर? ये इसका मास हमारे को दे रखा है 60 किलोग्राम. तो वेट की जगह हम इसमें सिंपली मास ले सकते हैं, क्योंकि मास किलोग्राम दे रखा है 60 किलोग्राम. और क्या दे रखी है बेटा यहां पर? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है हमें? 750 जूल. कर दो इसको कैलकुलेट. निकालना क्या है हमें? वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से वो भागेगा, ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
हाँ कितनी दे रखी है काइनेटिक एनर्जी इसकी 750 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल रख देंगे 750 के, और वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 मास दे रखा है 60 और ये मुझे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी का स्क्वायर इज 750। तो वेलोसिटी का स्क्वायर यही रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 60 अपॉन में 10 से 10 2 से 3 पे कट गया और 3 से कितना कट गया 25। तो v स्क्वायर कितना आ गया भाई 25 और v की वैल्यू कितनी हो गई √25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मींस कि उस 60 किलोग्राम के आदमी को कितनी वेलोसिटी के साथ भागना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर कर सके 750 जूल। तो देखो बेटा इन न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। पहला काम ही हमें यह करना है कि हम क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है उसको नोट कर लो पहले, उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ो कि आपको फाइंड आउट करना। क्लियर हुआ? तो ये दो न्यूमेरिकल्स हमारे किस पर बेस्ड थे, काइनेटिक एनर्जी पर। एक और मैं इसका न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको रेशियो का, देखिए इधर। क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ वी एंड 3v रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडी है जिनका मास हमें सेम दे रखा है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m लेट कर रहा हूं, मास ऑफ सेकंड बॉडी इसको भी क्या लेट कर रहा हूं m किलोग्राम और इसको भी m किलोग्राम। ध्यान रखना फर्स्ट की जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है v और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है सेकंड बॉडी की 3v। अब मैं यहां निकाल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, के ई वन लगा रहा हूं मैं यहां पर, क्या होगा फॉर्मूला 1/2 एम वी स्क्वायर। ये आ गई इस चीज, इसको इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी 1/2 एम एस डीज और वी कितना इसका 3 वी इसका स्क्वायर, तो 1/2 एम 3 का स्क्वायर 9 वी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको 9/9 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। निकालना क्या है रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, ये कितनी थी बेटा 1/2 एम वी स्क्वायर और ये कितनी थी 9 × 1/2 एम वी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट कितना आ गया 1/9। तो रेशियो कितना निकल के आ गया 1:9। दिस इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज हैविंग मास m मींस सेम मास एंड द वेलोसिटी इज v एंड 3v, दोनों की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ? तो ये तो हमारे क्वेश्चंस थे जो किसके ऊपर बेस्ड थे बेटा काइनेटिक एनर्जी पर। और अब मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन हम किसके बेस के ऊपर कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बेस पर। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है mgh। अब इसमें m मास सबको पता है, h डेप्थ भी हो सकती है और हाइट भी हो सकती है, और g की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वही वैल्यू आपको पुट करनी है, अपने मन से आपको कोई वैल्यू g की पुट नहीं करनी है। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इसमें कैलकुलेट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टोन ऑफ मास 10 ग्राम कैप्ड एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। कि एक स्टोन का मास निकालना है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मास ऑफ स्टोन कितना दे रखा है 10 ग्राम, कितनी हाइट के ऊपर है वो, हाइट दे रखी है हमें 5 मीटर और क्वेश्चन में ही जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब भी इस न्यूमेरिकल के अंदर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए और उसमें हमें मास अगर ग्राम में दे रखा हो तो पहले आप उस मास को किसमें चेंज करो किलोग्राम में, तो 10 को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 से कितना आ गया 1/100 किलोग्राम। अब निकाल दो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mg
एच एम कितना है 1/100, जी कितना है 9.8 और हाइट कितनी है 5, तो पॉइंट हटा के इसका भी क्या आ गया अपॉन में 10, 5 टू 10, 2 से कितना कट गया 49, तो कितना गया 0.49 जूल एनर्जी। क्या आंसर आ गया इसका 0.49 जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट स्टोन विच इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। समझ में आया ये आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है बच्चे, अ सीमेंट बैग वेग 50 किलोग्राम टू व्हाट हाइट इट बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी बी 9800 जूल। एक सीमेंट का कट्टा है जिसका मास कितना दे रखा है, वेग ऑफ सीमेंट बैग कितना दे रखा है बेटा ये 50 किलोग्राम, कह रहा है कितनी हाइट तक आप इसको उठाओगे, तो मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है इसकी, कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाए 9800 जूल हो जाए, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है सो दिस इज ऑल्सो एक्सीलरेशन विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब हाइट निकालिए, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला तो आएगा नहीं, पुट करो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी क्वेश्चन में 9800 जूल। क्या फॉर्मूला होता है, मास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट, इसको किसके ऊपर रख देंगे 9800, मास कितना दे रखा है आपको 50, जी 9.8, एच निकालना है, एच को यही रखेंगे, इनको सबको वहां ले जाओ 9800 अपॉन में 50 इंटू में 9.8 का पॉइंट हटा के ऊपर क्या आ जाएगा 10, 10 से 1098 से कितने पर कट गया ये 100 पर कट गया, और 5 से 20 पर तो कितना आ गया 20 मीटर। दिस इज द हाइट, कि जिस हाइट पर हम रखेंगे उस सीमेंट के बैग को तो जिसमें कितनी एनर्जी होगी 9800 जूल। तो ये देखो सारे न्यूमेरिकल तो बेटा मैं यहां पर करवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल जब तक आप खुद अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे तब तक हमारे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस मांगते हैं। आपको मैंने टॉपिक बताया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, दो टॉपिक, इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में अवेलेबल है यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम स्टे सेफ।